अगला सवाल है योगेश अरोड़ा का, फरीदाबाद हरियाणा से। बताइए योगेश जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास IDFC लाइफ के 125 शेयर हैं, 600 रुपये वाली है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या करें? इन्हीं की आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली है क्या? समझे आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ से ली है? मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी IDFC से ली है जी। उन्हीं से लिए ना? अच्छा, ये सही किया आपने, प्रोडक्ट भी नहीं का और स्टॉक भी का। सर बताइए HDFC लाइफ मेरे ख्याल से अच्छी जगह पे लिया हुआ है, 500 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये जगह अच्छी है बाउंस करने की अगर मिलता तो। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया है, मुझे टेक्निकल सेटिंग्स का अच्छा लगता है। टेक्निकल अच्छा लगता है, ओके, तो इसमें होल्ड करना चाहिए। वैसे अभी इस महीने जो बिजनेस अपडेट आया था लास्ट मंथ का, वो लाइफ इंश्योरेंस में केवल LIC का ख़राब था, बाकी सबका न्यू बिज़नेस काफ़ी बढ़िया निकल के आया था। तो इस वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इनमें एक मोमेंटम भी हम लोगों ने देखा था, खासतौर पे जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी तो वहाँ पे एक अच्छा मूव बना था। अच्छा अवसर, कुछ बहुत हरकत वाले स्टॉक हैं, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। जैसे RVNL के मुझे चाहिए IIFL सिक्योरिटीज़, स्टॉक रिजल्ट के बाद 9% ऊपर है, क्या अभी और दमखम है इसमें क्या? एक्चुअली आज गैपअप तो खुला है, उसके बाद सेलिंग आ रही है, 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 60 के आसपास लगता है, यहाँ पर संभलने की जगह अच्छी है, लेकिन कंफर्मेशन थोड़ा मिसिंग है। अगर 54 बरकरार है तो शायद एक अपमूव मिल सकता है, 54 बहुत ही डीप स्टॉप है, लेना है तो ले सकते हैं, 54 का स्टॉप लगाना चाहिए, 54 ब्रीच एग्जिट, तब तक इट्स अ होल्ड। और नेल्को भी रिजल्ट के बाद 8% ऊपर है, इसमें क्या राय बन रही है आपकी? कौन से स्टॉक नाम ले हैं? नेल्को, नेल्को, एन नाल्को नहीं, NELCO, नेल्को। अच्छा NELCO, मैं नाल्को नहीं, मैं निकाल देता हूँ, चार NELCO, यस मिल गया मुझे, अच्छी लगता है मुझे स्टॉक, लेने की जगह अच्छी है, जो करेक्टिव मोड है लगता है खत्म हुआ, बाउंस मिला है, अच्छा लग रहा है, 593 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाइए 525 का, थोड़ा डीप है, टारगेट 675 पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। गाबा सर, व्यक्ति बड़ा होता है कि संस्था, इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है कि आदमी? पर क्लियर नहीं आ रहा आवाज, कुछ ब्रेक हो रहा है, अभी मेरी आवाज आ रही है गाबा सर? अभी आ रही है, स्टार्टिंग के एक आधा सेकंड नहीं आता। हाँ मैं मुंह चुप ही नहीं होगा, मैं कंटिन्यूअसली बोलता रहूंगा जिससे कि वो स्टार्टिंग ही नहीं बने, वो कंटिन्यूएशन में रहे। तो मैं ये पूछ रहा था कि व्यक्ति बड़ा होता है, इंडिविजुअल बड़ा होता है या इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है? इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है मेरे ख्याल से। और कौन सा आपने बताया, इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंडिविजुअल? नहीं, इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली, इंस्टीट्यूशन प्रिवेल्स, संस्था बिल्कुल, इनफैक्ट हम इनफैक्ट मैं एक इंस्टीट्यूशन का हेड था तो मैं कहता था द सीट इज मोर इंपॉर्टेंट द पर्सन ऑक्यूपाइंग इट। लेकिन सर मार्केट ऐसा नहीं मानता, क्रॉम्पटन की देखिए आज स्टॉक 11-12% नीचे, क्योंकि मैनेजमेंट जो नया आया है लोग उससे खुश नहीं है। सर ऐसे कई उदाहरण हैं, आप देखिए इंडसइंड बैंक का मैनेजमेंट जैसे अप्रूव होता है तुरंत स्टॉक पर रन अप, गोदरेज कंज्यूमर में एक नया मैनेजमेंट आया स्टॉक 30% ऊपर, तो यहाँ तो इंसान बड़ा है। ये गलत है मेरे हिसाब से, इंस्टीट्यूशन का जो एक कैरेक्टर होता है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, पूरे इनग्रेंड है हमारे DNA में आ गया इंस्टीट्यूशन। आप टाटा का देख लो, क्या उनके हम उनके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं? मोमेंटली कुछ शिफ्ट हो सकता है, पॉसिबल है, रिएक्शन आ सकते हैं जी। इंस्टीट्यूशन HDFC है, महिंद्रा महिंद्रा, आप उनका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, चाहे कोई भी ऑक्यूपाई कर ले। तो मैं उस बात मानता हूं कि नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं करते, जो इथोस है वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो बताइए फिर चार्ट पे कैसा दिख रहा है क्रॉम्पटन? क्रॉम्पटन में हाँ, चार्ट देख लेता हूँ, क्रॉम्पटन CROMP क्रॉम्पटन है थोड़ा वीक, लेकिन ये वीक 500 से है, एक अपो मिलने की कोशिश की, फिर एक वीकनेस है, तो हम इंडिविजुअल को ब्लेम क्यों करें? आज 500 जब देखा आप 260 के आसपास है, तो उस समय तो इंडिविजुअल चेंज नहीं हुआ था, फिर भी क्यों गिरावट आई? हाँ लो लेवल आ सकते हैं, अभी 259, 250, 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 200 के आसपास भी आ जाए, लेकिन 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, करेक्टिव मोड में यहां से थोड़ा नीचे आकर फिर एक बाउंस मिलने की संभावना है, इंस्टीट्यूशन अभी तो वही रहेगा। ओके, तो ये स्थिति है क्रॉम्पटन की चार्ट पे अलग, और एक वैसे ही मेरे मन में आया कि पूछा जाए फंडामेंटल स्टॉक क्या है, कि क्या सही होता है। बहरहाल गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए।
और इस वक्त बाजार जिस जंक्चर पे है सब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।